मेरा नाम है धर्मपाल और आप देख रहे हैं स्टडी हार्ड। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जैसा हमने कल पढ़ा था Q&A वीडियो 1, तो आज ये है Q&A मतलब क्वेश्चन आंसर वीडियो सीरीज 2 और पार्ट 2। ठीक है, तो इसमें कल हमने ज्योग्राफी के ही क्वेश्चन देखे थे, मतलब सब्जेक्ट हमारा एक था और हमारे क्वेश्चन अलग अलग थे। पर आज क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे होगी, आज क्वेश्चन हर लेसन के हैं, मतलब हर सब्जेक्ट के हैं, सॉरी हर सब्जेक्ट के लेसन हैं। इसमें केमिस्ट्री के भी हैं, इसमें हिस्ट्री के भी हैं, इसमें साइंस के भी हैं, इसमें फिजिक्स के भी हैं, मतलब अलग अलग क्वेश्चन मैंने निकाले। क्वेश्चन सात हैं। आपको क्या करना है, आपको अपनी स्किल टेस्ट करनी है कि आपको साथ में कितने आते हैं, आप कितना रेट करते हैं अपने आप को इन सात क्वेश्चन में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले जिन लोगों ने स्टडी हार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस मिले टाइम पे और पढ़ाई हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छी तरह से हो सके। देखिए, पहला क्वेश्चन है पर्ल ऐश। तो किसे पर्ल ऐश कहते हैं, वीडियो आपको करना है पॉज और आपके पास है 2 से 3 सेकंड का समय। पर्ल ऐश किसे कहते हैं, तो बच्चों पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट को हम पर्ल ऐश कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप पता चल गया। पोटेशियम कार्बोनेट को हम पर्ल ऐश कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है K2CO3। ठीक है, इसे कहते हैं पोटेशियम कार्बोनेट, दूसरा नाम पर्ल ऐश। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसका केमिकल नेम या कि आप कह सकते हैं रासायनिक नाम पोटेशियम यूरेनिल वेंडेट होता है। आपको वीडियो करनी है पॉज। क्वेश्चन फिर से, केमिकल नेम किसका पोटेशियम यूरेनिल वेंडेट होता है, तो ये इसका होता है, ये इसका ये होता है कार्नोटाइट का। कार्नोटाइट का जो केमिकल नेम होता है वो होता है पोटेशियम यूरेनिल वेंडेट। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और इम्पॉर्टेंट भी है साइंस के लिए, कि सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, वो किसकी बनी होती हैं, तो वो सभी आपकी फोटोन की बनी होती हैं। ठीक है, सब ये फोटोन की बनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि अगर आप लोलक घड़ी, जिसको हम पेंडुलम भी कहते हैं, पेंडुलम को अगर आप किसी उपग्रह पे ले जाएंगे तो उसके जो आवर्तकाल होता है टी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बच्चों सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी पेंडुलम या लोलक घड़ी को उपग्रह पे ले जाओगे तो वहाँ पे उसमें भारहीनता हो जाएगी। ठीक है, तो जिससे उसका स्मॉल जी का मान क्या हो जाएगा, 0। और जब स्मॉल जी का मान 0 हो जाएगा तो आपकी आवर्तकाल अनंत पे चला जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा अनंत। ठीक है, और आपकी जो लोलक घड़ी है वो काम करना बंद कर देगी। सिंपल सा पता, आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आवर्तकाल आपका अनंत पे चला जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय पक्षी मयूर सभी को पता है उसका साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो आई होप आपको पता होगा, उसका नाम होता है पावो क्रिस्टेटस। ठीक है, मयूर का साइंटिफिक नेम पावो क्रिस्टेटस। उसके बाद नेपोलियन के पिता का क्या नाम था, काफी बच्चों को पता होगा कि नेपोलियन के पिता का क्या नाम था, उनका नाम था कार्लो बोनापार्ट। ठीक है, नेपोलियन के पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, शिमला समझौता कब हुआ था, और ये क्वेश्चन SSC CGL 10+2 और SSC के जितने भी एग्जाम होते हैं, दिल्ली पुलिस का भी हो गया, उसका हो गया, उसके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री में लगभग ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सन वन बहुत पूछा जाता है, तो सन आपको पता होना बहुत जरूरी है। शिमला समझौता ये सब होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट 10-15 हैं, जैसे शिमला समझौता हो गया, ये 1945 में आपका ये हुआ था, 1945 में शिमला समझौता। ठीक है, तो आप इन सात क्वेश्चन को अपने हिसाब से रेट करिए कि आपको इन सात में कितने आते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको वीडियोस डेली मिलें। कल एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, कोशिश करूँगा कि कल ज़्यादा क्वेश्चन हो और ज़्यादा हम लोग चीज़ों पर डिस्कस कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं एक नए वीडियो का। थैंक यू।